इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तरक्की नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर एक डर बना रहता है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो वो सब लोग अंदर से बीमार होते हैं। और दोस्तों आपको पता है इस बीमारी को क्या कहते हैं? इस बीमारी को कहते हैं लोग कुछ तो कहेंगे। और ये दुनिया की सबसे बड़ा रोग यही है कि लोग तो कहेंगे ही। इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों होता है क्या है कि एक बार एक पति पत्नी रास्ते जा रहे होते हैं कहीं, और उनके साथ एक गधा होता है जो उनके सामने लोग आते हैं उनको देखकर हंसने लगते हैं और उसको देखकर बोलते हैं कि बताओ यार कैसे लोग हैं, दोनों पैदल चले जा रहे हैं पर गधा होने के बाद भी गधे के ऊपर भी नहीं बैठे। पति पत्नी ने सोचा कि हाँ, उन कपल ने सोचा कि हाँ बात तो सही है, तो अब एक काम करते हैं दोनों गधे के ऊपर बैठ जाते हैं। और कुछ दूरी पर जाने के बाद में लोग उनको देखकर फिर हंसने लगते हैं। उन्होंने बोला बताओ यार कैसे लोग हैं, इनको दया नहीं आती, गधे के ऊपर दोनों बैठे हुए हैं। और ये बात सुन के भी पति पत्नी ने उन कपल ने सोचा कि हाँ ये बात भी तो सही है। फिर उसके बाद में पति उतर जाता है, पत्नी बैठी रहती है, और थोड़ी दूर जाने के बाद में लोग देखकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि बताओ कैसा जोड़ू का गुलाम है, पत्नी मस्त गधे पे बैठी हुई है और पति पैदल चलता जा रहा है। तो ये बात उनको भी देखकर बुरी लगी और उन्होंने सोचा कि यार सही तो बात है। तो इस बार पति बैठ जाता है और पत्नी उतर जाती है, और आगे जाने के बाद में थोड़ी देर बाद फिर से लोग हंसने लगते हैं, फिर बोलते हैं कि बताओ यार कैसा पति है, खुद बैठा हुआ है और बेचारी अपनी औरत को पैदल चलवा रहा है। फिर दोनों सोचते हैं यार ये कुछ भी कर लो, लोग कुछ ना कुछ तो कह ही रहे हैं। तो ये सब सोचने के बाद फिर वो लोग क्या करते हैं कि दोनों मियां बीबी गधे को अपने सर के ऊपर बैठा लेते हैं और फिर पैदल चलते हैं। और ये देखकर लोग और ज्यादा हंसने लगते हैं, बोलते हैं यार गधे पर तो सवारी करते हैं लोग, ये गधे को सवारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप दुनिया में कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी अच्छा काम कीजिए, आप कितना भी बुरा काम कीजिए, लोग कुछ तो कहेंगे ही। अगर आप इस दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं तो आपको लोगों की सोच को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, सिर्फ अपने दिल की और अपने दिमाग की सुनना पड़ेगा। भूल जाइए और ये बीमारी अंदर से निकाल दीजिए कि लोग कुछ तो कहेंगे ही। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये स्टोरी आपको पसंद आए। और दोस्तों इसके साथ ही बहुत टाइम हो गया था इस चैनल पे एक मोटिवेशनल वीडियो डाले हुए। मेरे एक मोटिवेशनल चैनल है, इसके अलावा एक सेकेंडरी चैनल है जिसमें मैं अपने मोबाइल रिपेयरिंग के वीडियो डालता हूँ इंस्टा में। अगर आपको इस चैनल पे जाना है तो नीचे लिंक दी हुई है, उसको जाइए सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उसको जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं या किसी का भी काम कर रहे हैं, अगर लोग देखकर आपको कहीं ना कहीं ताने मार रहे हैं या हंस रहे हैं या आपकी हर बातों पर कहीं ना कहीं वो व्यंग कस रहे हैं, तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा ये एक बीमारी है और इस बीमारी को आपको जड़ से उखाड़ फेंकना है। जो आपको सही लगा वो कीजिए, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे लोग कुछ तो कहेंगे ही।